किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं वास्तु के अनुसार आपको किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। हम मान के चलते हैं ये आपका घर है, नॉर्थ फेसिंग आपका हाउस है और साउथ वेस्ट में आपने अपना बेड लगा रखा है, साउथ वेस्ट में अपना कमरा है, अपने कमरा बना रखा है। तो गाइज जो सबसे पहले आइडियल डायरेक्शन है बेड लगाने की वो है साउथ की दीवार। आप अपनी साउथ की दीवार के साथ बेड लगाएं और आप साउथ की तरफ सिर करके सोएं, पैर आपके होंगे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अगर वैसे सबसे बढ़िया डायरेक्शन है, अगर यहाँ पे आप किन्हीं कारण से नहीं लगा सकते तो आप ईस्ट साइड बेड लगा सकते हैं, ईस्ट साइड में आप यहाँ पे ईस्ट की साइड सिर करके सोएं और वेस्ट की साइड आप अपने पैर करें। नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी आप सिर करके ना सोएं। और वैसे मैं आपको एक और आइडियल तरीका बता देता हूँ गाइज, आप अपने घर में कहीं भी सोएं हमेशा आप साउथ साइड में सिर करके सोएं या ईस्ट साइड में सिर करके सोएं। ये सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता दिया, आप इसे हमेशा याद रखना। कहीं भी यहाँ पे आपका बेडरूम हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी आपका बेडरूम है, आप हमेशा जो है साउथ की साइड सिर करके सोएं या ईस्ट की साइड सिर करके सोएं। अपने घर में हो या किसी और कहीं भी आपको सोना पड़ रहा हो तो आप इस साइड ऐसे सिर करके सोते हैं। कभी कभार तो आप कहीं बाहर जाते हैं तो कैसे भी सो सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली घर में सो ऐसे ही सोएं। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।